अस्सलाम वालेकुम खवातीन व हज़रात, वेलकम बैक हो गया एक बार नए व्लॉग के अंदर। मेरा नाम है जिशान और आप देख रहे हैं व्लॉग जी। आज के इस व्लॉग में हम आपको जो नारान की ताज़ा तरीन अपडेट दे रहे हैं, ये टोकरी की मदद से बंदों को उस तरफ लेके जा रहे हैं। जैसा कि अभी आप इस क्लिप में देख रहे हैं कि ये इन्होंने यहाँ पे मुकामी लोगों ने और गवर्नमेंट ने मिलकर एक आरजी पुल तैयार की है, जिसमें सिर्फ एक ही बंदा बैठकर पुल क्रॉस कर सकता है। यानी कि एक टोकरी से बनाई है, इस टोकरी में एक बंदा बैठकर उधर जाएगा और फिर वहां से अगर किसी ने आना है तो इधर आएगा। वैसे अभी इसको सही होने में तकरीबन काफ़ी टाइम लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी काम किया जा रहा है, मशीनें वगैरह और बहुत से लोग मिलकर काम कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। और जो यहाँ के गवर्नमेंट है वो भी बहुत एक्टिव हुई है और वो भी बहुत जल्दी पुल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी इस पुल को बनने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये जितना भी यहाँ पे जितना भी मलबा था पुल का, वो सारा पानी के साथ कुनार में बहकर आगे चला गया है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुकानों का नुकसान हुआ है। तकरीबन 50 से 60 जो दुकानें हैं वो बिल्कुल खाली हो गई हैं और उनका जो जितना भी सामान था वो पानी में बह गया है। और एक और अपडेट देता चलूँ कि यहाँ पे जो नारान में जो लोग फंसे हुए हैं, यहाँ पे एक होटल 1947 है, उन्होंने बहुत ज़्यादा ताउन किया है और ये जो वीडियोस क्लिप आप देख रहे हैं ये उन्होंने ही हमें सेंड किए हैं। कलीम भाई हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं, उन्होंने ही हमें ये वीडियो सेंड की हैं। दरिया को आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रोड से तकरीबन वो आगे रोड के ऊपर आ रहा है और यहाँ से भी तकरीबन 1 फुट नीचे है। और ये सामने आप देख सकते हैं ये एक होटल है मांडरी का, रिवर पैलेस होटल एंड ट्राउट फिश। तो ये बिल्कुल डूबता जा रहा है, ये पानी आप इसका देख सकते हैं कि ये होटल के ऊपर ऊपर ही आ रहा है। होटल खाली करवा दिया गया है। ये उस तरफ लोग नजर आ रहे होंगे, ये उस तरफ से ये इस तरफ तक एक पुल हुआ करता था, ये बिल्कुल नहीं है। पैदल की तो आप बात कर सकते हैं कि पैदल रास्ता है, लेकिन वो भी मुश्किल है वक्त जी। ये है मांडरी का पुल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पुल हुआ करता था। ये इससे आगे सिक्योरिटी पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे, तो पुल का नामा निशान नज़र नहीं आ रहा है। वो सामने वाली साइड ही और ये इस साइड ये दुकानें भी कुछ डेमेज हुई हुई हैं। 10 बजे बहुत बड़ा नुकसान। इंतज़ामिया मुकम्मल हरकत में, इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो है कि एक दो दिन में इसका कोई मुतबादल हम तलाशकारी लेंगे। अल्लाह पाक हम सब पर रहम करम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। होटल 1947 और पटवारी बैठक की तरफ से पेश की जाने वाली आज की ये वीडियो। कल 30 जुलाई को जो मांडरी का फ्लड की वजह से पुल टूट गया, तो हज़रात जितने भी हैं खासे परेशान भी हुए, डिस्टर्ब भी हुए, तो उनके लिए ये मुदबाना गुजारिश है कि अगर वो 1947 में रहने जाएं तो 3 दिन के लिए उनका जो रूम है वो हमने बिल्कुल फ्री किए हुए हैं, रूम्स के कोई चार्जेस नहीं होंगे। तो अगर कोई फैमिली परेशान है, ये सिर्फ पैकेज फैमिली के लिए है, क्योंकि फैमिलियों के साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो डिस्टर्ब हुए हुए होते हैं, तो वो आए और 1947 पे स्टे कर सकते हैं। बाकी आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, मौसम तो बहुत खुशगवार हो गया है, बारिश वगैरह तो नहीं है, लेकिन अक्सरियत से आप कह सकते हैं कि यहाँ से गेस्ट बरास्ता कलाम शाहराह करम हाईवे की तरफ से वापस चले गए। कलाम का नाम वैसे मेरे मुंह से आ गया, तो बहुत
तो ये शायद काम में भी होंगे या ज़्यादा भी होंगे। कोई भी फैमिली यहाँ रहना चाहे तो उसके लिए ये ऑफ़र है कि वो होटल 94 में आकर रख सकते हैं।